नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ओमती पुलिस की भरतीपुर में कच्ची शराब उतारने के अड्डे पर दबिश हुई। मौके से 100 लीटर कच्ची शराब और कच्ची शराब उतारने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भट्टी और गैस सिलेंडर बर्तन आदि जब्त करते हुए 200 लीटर लाहन नष्ट किया गया। फरार निगरानी बदमाश दयाराम सोनकर की तलाश जारी है। दिनांक 1 फरवरी 2021 की विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। भरतीपुर में शिव पार्वती मंदिर के पीछे रहने वाला दयाराम सोनकर अपने घर में भट्टी लगाकर कच्ची शराब उतार रहा है। सूचना पर घेराबंदी करते हुए ओमती पुलिस के द्वारा दबिश दी गई। दयाराम सोनकर घर से भाग गया। घर के अंदर घुसकर देखा गया तो 3 भट्टी लगाकर कच्ची शराब उतारी जा रही थी। प्लास्टिक के गुम्मों में 100 लीटर उतारी हुई कच्ची शराब और ड्रम में लगभग कच्ची शराब उतारने के लिए लगभग 200 लीटर लहान भरा हुआ मिला। लहान नष्ट करते हुए 100 लीटर कच्ची शराब और शराब उतारने की तीनों भट्टियां, 3 गैस सिलेंडर जब्त करते हुए फरार दयाराम सोनकर के विरुद्ध धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए फरार दयाराम सोनकर की सरगर्मी से तलाश जारी है। उल्लेखनीय है कि फरार आरोपी दयाराम सोनकर थाना ओमती क्षेत्र का निगरानी बदमाश है। कुछ दिन पूर्व ही जेल से रिहा हुआ है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा फरार आरोपी दयाराम सोनकर, जो कि कच्ची शराब उतारकर बेचने का आदी है, पूर्व में कई बार अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ा जा चुका है। आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए एनएसए के तहत कार्यवाही किए जाने के लिए आदेशित किया। ओमती थाने अंतर्गत भरतीपुर में शिव पार्वती मंदिर के पास एक घर है जिसमें कि जलती हुई भट्टी जिसमें अवैध कच्ची शराब से बन रही थी, उसका जो है खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो इन पे सख्त से सख्त जो है एक्शन लिया जाए। और ये फरार हो गए हैं, अभी इनकी तो तलाश की जा रही है। अभी महिलाएं हैं इनके घर में और जो भी लाहन है इनकी भी जो है तलाश की जा रही है। इन पे सख्त कार्रवाई होगी। अभी ये दयाराम है, दयाराम सोनकर, इनके ऊपर पहले से भी जो है शराब के प्रकरण है, 34-2 का एक प्रकरण रहा है। इनकी जो है तलाश की जा रही है और इनके पहले भी जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है इनके आधार पर इन पे जो है सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी लगभग 3 जो है भट्टियाँ मिली हैं और अभी लगभग 4 से 5 कूपियाँ मिली है लगभग कच्ची शराब की। ये बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड है और भी जो है तलाश की जा रही है। हम अवैध लाहन कहाँ पे स्टोर्ड है इनकी भी जो है तलाश कर रहे हैं।